हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं अपना चैनल एजुटेस्टिक दीपक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1.2 का कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, जिन कॉन्सेप्ट के बिना आप चैप्टर नंबर 1.2 को नहीं बना सकते हो। और ये वीडियो नॉलेजफुल भी होने वाला है और पिछले एक्सरसाइज के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे हम लोग बोलते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी भाग हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या है, 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। कहने का मतलब है कि 4 में अगर हम 1 से भाग करें हो जाएगा, अगर 4 में 4 से भाग करें हो जाएगा, लेकिन एक अन्य संख्या जैसे क्या 4 में 2 से भाग नहीं होगा, यानी कि 4 में 2 से भी भाग होने वाला है, यानी कि अन्य संख्या से भी भाग हो रहा है। तो जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या के साथ भी भाग हो उसे हम क्या, तो भाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अगर हम 2 में 1 से भाग करें हो जाएगा, 2 में 2 से भाग करें बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर हम 2 में किसी अन्य संख्या से भाग करें, क्या 2 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता। यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और उसी प्रकार हो जाएगा 17, फिर 19, फिर 23, ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। क्लियर? इसके बाद नोट करके हमने ये लिखा है, एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या हो। 2 एक अकेली ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ये थोड़ा सा नोटिस करने लायक था, इसलिए हमने इसको लिखा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं HCF। जैसे हम लोग बोलते हैं कि HCF निकालना है, तो आखिर ये HCF का फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं। जैसे HCF का H4 हाईएस्ट, C4 कॉमन, A4 फैक्टर, और इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और थोड़ा उसको शॉर्ट करके हम लोग बोल देते हैं MSR। दूसरा LCM का फुल फॉर्म होता है L4 लिस्ट, C4 कॉमन, M4 मल्टीपल, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और उसे शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं LSR। यहां तक तो क्लियर है। इसके नेक्स्ट चीज है मेरे पास कि किसी दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b का LCM और HCF का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है वो देखिए, अगर किसी भी संख्या, मान लीजिए कि वो संख्या a और b है, तो उसके LCM और उसी संख्या a और b का ही HCF, अगर इनको हम आपस में इंटू करते हैं तो जिस संख्या का LCM और HCF हमने निकाला है उसी संख्या के वो गुणनफल के बराबर होंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजफुल लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।